नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M21 2021 वर्सेस Infinix Note 12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M21 2021 में 6.26 इंच जबकि Note 12 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M21 2021 में 2.96 इंच जबकि Note 12 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M21 2021 में 0.35 इंच जबकि Note 12 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M21 2021 में 192 ग्राम जबकि Note 12 में 184.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M21 2021 में सुपर AMOLED जबकि Note 12 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M21 2021 में 19.5:9 जबकि Note 12 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M21 2021 में 6.4 इंचेस जबकि Note 12 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M21 2021 में 1080x2340 और Note 12 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M21 2021 में 84.02% जबकि Note 12 में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M21 2021 में 403 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 12 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M21 2021 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M21 2021 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M21 2021 में Mali G72 MP3 जबकि Note 12 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M21 2021 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Note 12 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M21 2021 में अप टू 512GB जबकि Note 12 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी M21 2021 में 6000mAh जबकि Note 12 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M21 2021 में 2 कलर्स जबकि Note 12 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M21 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,399 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 12 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy M21 2021 में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 12 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M21 2021 आगे है, मेन कैमरा में Note 12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M21 2021 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है, दूसरा OnePlus Nord CE2 Lite 5G है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 11S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।